नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के आम बजट 2020-21 के महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित एक वीडियो हमने तैयार किया है जो आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। साथियों, यदि आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में राजस्थान का सामान्य ज्ञान सम्मिलित है तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, शुरुआत करते हैं। साथियों, वीडियो को देखते समय एक कागज एवं पेन साथ रखें और प्रत्येक प्रश्न को सुनें और अपना उत्तर देने का प्रयास करें। बाद में वास्तविक उत्तर से मिलान करें। इस प्रकार आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं और ये प्रश्न आपको याद भी हो जाएंगे और पूरे साल में जब भी राजस्थान से संबंधित एग्जाम होंगे तो निश्चित रूप से इनमें से कोई कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। और साथियों, एक रिक्वेस्ट और है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो सके। तो हम शुरुआत करते हैं। साथियों, राजस्थान बजट 2020-21 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में से पहला प्रश्न है, राजस्थान बजट 2020-21 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है रघु शर्मा, दूसरा ऑप्शन है अशोक गहलोत, तीसरा ऑप्शन है बीडी कल्ला और चौथा ऑप्शन है शांति धारीवाल। तो साथियों, इसका सही आंसर आप बताएं, राजस्थान का बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? साथियों, इसका सही आंसर है अशोक गहलोत। माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हमारे राजस्थान के वित्त मंत्री भी हैं, क्योंकि राजस्थान की विधानसभा में वित्त मंत्री के द्वारा ही बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो वर्तमान में वित्त मंत्री के नाते अशोक गहलोत जी ने बजट प्रस्तुत किया है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में राजस्थान बजट 2020-21 कब प्रस्तुत किया गया? पहला ऑप्शन है 21 फरवरी को, दूसरा ऑप्शन है 20 फरवरी को, तीसरा ऑप्शन है 19 फरवरी को और चौथा ऑप्शन है 18 फरवरी को। तो इसका सही आंसर बताएं, राजस्थान विधानसभा में राजस्थान बजट 2020-21 कब प्रस्तुत किया गया? तो साथियों, इसका सही आंसर है 20 फरवरी 2020 को राजस्थान का बजट प्रस्तुत किया गया। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस एक शहर में इंटरनेशनल ऑडिटोरियम बनाया जाएगा? पहला ऑप्शन है अजमेर में, दूसरा ऑप्शन है किशनगढ़ में, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर में और चौथा ऑप्शन है उदयपुर में। तो इंटरनेशनल ऑडिटोरियम इस बजट में बनाए जाने का एक प्रस्ताव रखा गया है, तो यह किस शहर में बनेगा? तो साथियों, इसका सही आंसर है यह जोधपुर में बनेगा, इंटरनेशनल ऑडिटोरियम जोधपुर में बनाया जाएगा। चौथा प्रश्न है, निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष के लिए कितने फंड का प्रावधान किया गया है? तो पहली बार निरोगी राजस्थान प्रबंध कोष का गठन किया जाएगा और इसमें कितनी राशि का बजट प्रस्तावित किया गया है? साथियों, पहला ऑप्शन है 70 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 100 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 200 करोड़ और चौथा ऑप्शन है 150 करोड़। तो इसका सही आंसर बताएं साथियों, इसका सही आंसर है 100 करोड़। 100 करोड़ का राजस्थान में निरोगी राजस्थान प्रबंध कोष का फंड रखा गया है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर पूर्व में बंद राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल क्लब पुनः शुरू किया जाएगा? पहला ऑप्शन जयपुर में, दूसरा ऑप्शन कोटा में, तीसरा बीकानेर में और चौथा जोधपुर में। तो इसका सही आंसर बताएं साथियों, इसका सही आंसर होगा यह जयपुर में पुनः प्रारंभ किया जाएगा, राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल जयपुर में पुनः प्रारंभ किया जाएगा। छठा प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी योजनाओं के लिए डोर स्टेप कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और इसके लिए सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे कहां लागू किया जाएगा? पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है कोटा, तीसरा ऑप्शन है बीकानेर और चौथा ऑप्शन है जोधपुर। तो साथियों, इसका सही आंसर बताएं कि डोर स्टेप कार्यक्रम सबसे पहले कहां पर लागू होगा? तो जयपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू होगा। सातवां प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर खादी प्लाजा की स्थापना की जाएगी? जयपुर में, दूसरा ऑप्शन है कोटा में, तीसरा ऑप्शन है बीकानेर में और चौथा ऑप्शन है जोधपुर में। तो साथियों, इसका सही आंसर बताएं, इसका सही आंसर है जयपुर में।
खादी प्लाजा की स्थापना जयपुर में की जाएगी। आठवां प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर ऑक्सीजन सिटी पार्क की स्थापना की जाएगी? जयपुर में पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कोटा में, तीसरा ऑप्शन बीकानेर में और चौथा ऑप्शन जोधपुर में। तो साथियों बताएं इसका सही आंसर क्या है। ऑक्सीजन सिटी पार्क की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? तो इसका सही आंसर है, इसकी स्थापना कोटा में होगी। नवा प्रश्न है, राजीव गांधी ई कंटेंट योजना शुरू की जाएगी और इस योजना में क्या सम्मिलित है? पहला, स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन कंटेंट, बी कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन कंटेंट, और सी विदेशी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन कंटेंट, और चौथा स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए स्किल के पाठ्यक्रम संबंधी कंटेंट। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। राजीव गांधी ई कंटेंट योजना शुरू की जाएगी, यह योजना कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन कंटेंट से संबंधित है और इस योजना के अंतर्गत कॉलेज के शिक्षकों के द्वारा अपने पाठ्यक्रम के अनुरूप ई कंटेंट तैयार किए जाएंगे जो विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। दसवां प्रश्न है, राजीव @75 फंड किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन स्टार्टअप से, दूसरा ऑप्शन कौशल पाठ्यक्रम से, और तीसरा ऑप्शन कृषि विकास शैक्षिक विकास से, और चौथा ऑप्शन स्कूलों के विद्यार्थियों के ई पाठ्यक्रम से। तो साथियों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। राजीव @75 फंड किससे संबंधित है? यह स्टार्टअप से संबंधित है। स्टार्टअप में जो युवा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें इस फंड का लाभ मिलेगा। 11वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री कौशल मार्गदर्शन योजना शुरू की जाएगी, इस योजना में क्या सम्मिलित है? पहला ऑप्शन है 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कौशल विकास हेतु पाठ्यक्रम, दूसरा है 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कौशल विकास हेतु पाठ्यक्रम, तीसरा ऑप्शन है 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कौशल विकास हेतु पाठ्यक्रम, और लास्ट चौथा ऑप्शन है कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए कौशल विकास हेतु पाठ्यक्रम। तो साथियों इसका सही आंसर बताएं, मुख्यमंत्री कौशल मार्गदर्शन योजना शुरू की जाएगी। तो यह योजना 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए शुरू की जाएगी और इनमें इन विद्यार्थियों के लिए कौशल विकास के ऑप्शनल पाठ्यक्रम होंगे। 12वां प्रश्न है, बजट 2020-21 के अनुसार निम्न में से किस एक की स्थापना नहीं की जाएगी? राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा बोर्ड, मिलावट रोधी स्टेट अथॉरिटी एंड फास्ट ट्रैक कोर्ट, तीसरा राजस्थान राज्य वन विकास निगम, और चौथा राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग बोर्ड। तो साथियों इसका सही आंसर बताएं, बजट 2020-21 के अनुसार निम्न में से किस एक की स्थापना नहीं की जाएगी? तो इसका सही आंसर है राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग बोर्ड की स्थापना इसमें प्रावधानित नहीं है। 13वां प्रश्न है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष पर कितने फंड की व्यवस्था की गई है? 100 करोड़ पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 10 करोड़, तीसरा ऑप्शन 50 करोड़ और चौथा ऑप्शन 5 करोड़। तो साथियों इसका सही आंसर है 10 करोड़। 14वां प्रश्न है, ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी? पहला ऑप्शन 1 करोड़, दूसरा ऑप्शन 2 करोड़, तीसरा ऑप्शन 3 करोड़ और चौथा ऑप्शन 50 लाख। तो साथियों इसका सही आंसर बताएं, ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी? तो इसका सही आंसर है 3 करोड़। जिस खिलाड़ी के द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया जाएगा उसे 3 करोड़, रजत पदक प्राप्त किया जाएगा उसे 2 करोड़, और यदि कांस्य पदक प्राप्त करेगा उसे 1 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी। 15वां प्रश्न है, एशियन व कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या 50 लाख? तो साथियों इसका सही आंसर बताएं, एशियन व कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो इसका सही आंसर है 1 करोड़। 16वां प्रश्न है, राजस्थान का वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितना राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है? 2.99%, 1.99%, 1.50% और 2.50%।
तो इसका सही आंसर साथियों बताएं कितना राजकोषीय घाटा अनुमानित है, 2.99%। 17वां प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर राज्य कैंसर संस्थान का सुचारू संचालन किया जाएगा। पहला ऑप्शन बीकानेर, दूसरा ऑप्शन कोटा, तीसरा ऑप्शन जयपुर और चौथा ऑप्शन भरतपुर। तो साथियों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, राज्य कैंसर संस्थान का सुचारू संचालन कहां पर होगा। तो इसका सही आंसर है जयपुर, जयपुर में राज्य कैंसर संस्थान का सुचारू संचालन किया जाएगा। 18वां प्रश्न है, नेहरू बाल संरक्षण कोष के लिए कितने फंड का प्रावधान किया गया है। पहला ऑप्शन 75 करोड़, दूसरा ऑप्शन 100 करोड़, तीसरा ऑप्शन 200 करोड़ और चौथा ऑप्शन 150 करोड़। तो इसका सही आंसर साथियों बताएं, नेहरू बाल संरक्षण कोष के लिए कितने फंड का प्रावधान किया गया है। तो इसके लिए 100 करोड़ का फंड का प्रावधान किया गया है। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। पहला ऑप्शन जयपुर में, दूसरा ऑप्शन कोटा में, तीसरा ऑप्शन बीकानेर में और चौथा ऑप्शन जोधपुर में। तो राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो का आयोजन कहाँ होगा। तो साथियों इसका सही आंसर है जोधपुर में होगा। 20वां प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन सेक्टर की स्किल के लिए डेडिकेटेड कौशल केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी। पहला ऑप्शन जयपुर बाड़मेर में, दूसरा ऑप्शन कोटा बूंदी में, तीसरा ऑप्शन गंगानगर बीकानेर में और चौथा ऑप्शन बाड़मेर जोधपुर में। हाइड्रोकार्बन सेक्टर की स्किल के लिए डेडिकेटेड कौशल केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो इसका सही आंसर है बाड़मेर जोधपुर में की जाएगी। 21वां प्रश्न है, निम्नांकित में से किन स्थानों पर गुरु नानक जयंती पार्क स्थापित किए जाएंगे। पहला हनुमानगढ़ श्री गंगानगर कोटा अलवर और बूंदी में, दूसरा ऑप्शन बूंदी कोटा गंगानगर उदयपुर अजमेर में, तीसरा ऑप्शन गंगानगर बीकानेर टोंक जयपुर अजमेर में और चौथा ऑप्शन बाड़मेर जोधपुर सिरोही उदयपुर और पाली में। तो साथियों इसका सही आंसर बताएं, किन स्थानों पर गुरु नानक जयंती पार्क की स्थापना की जाएगी। तो इसका सही आंसर है हनुमानगढ़ श्री गंगानगर कोटा अलवर और बूंदी में। 22वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान निम्न में से कहाँ स्थापित किया जाएगा। रायसेन जो सहकारी विभाग का प्रशिक्षण सेंटर है जयपुर में, दूसरा ऑप्शन हरिश्चंद्र माथुर रीपा जयपुर में, दूसरा हरिश्चंद्र माथुर रीपा उदयपुर में और तीसरा काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में। तो साथियों इसका सही आंसर बताएं, इसका सही आंसर है हरिश्चंद्र माथुर रीपा जयपुर में इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। 23वां प्रश्न है, पालनहार छात्रावास हापवे की स्थापना कहाँ की जाएगी। पहला जिला मुख्यालयों पर, दूसरा संभाग मुख्यालयों पर, तीसरा उपखंड मुख्यालयों पर और चौथा तहसील मुख्यालयों पर। तो साथियों इसका सही आंसर बताएं, इसका सही आंसर है संभाग मुख्यालयों पर। 24वां प्रश्न है, आय व्यय अनुमान 2020-21 में सर्वाधिक व्यय निम्नांकित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रस्तावित है। पहला ऊर्जा में, दूसरा ग्रामीण विकास क्षेत्र में, तीसरा कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के क्षेत्र में और चौथा सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के क्षेत्र में। तो साथियों बताएं इसका सही आंसर, आय व्यय अनुमान 2020-21 में किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यय प्रस्तावित है। तो इसका साथियों सही आंसर है सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं में। ऊर्जा क्षेत्र में 16.79% एक्सपेंडिचर प्रस्तावित है, ग्रामीण विकास में 10.78% और कृषि विकास में 8.50% और सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं में 49.70%। तो इसका अर्थ ये हुआ सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं में सबसे ज़्यादा व्यय होगा, ऊर्जा क्षेत्र में उसके बाद होगा दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे ग्रामीण विकास में होगा। तो साथियों ये लास्ट 25वां प्रश्न है, पर्यटन विकास कोष के लिए कितने फंड का प्रावधान किया गया है। 75 करोड़, दूसरा है 100 करोड़, तीसरा 200 करोड़ और तीसरा 150 करोड़। तो इसका सही आंसर बताएं साथियों, पर्यटन विकास कोष के लिए कितने फंड का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर है 100 करोड़ का। अब साथियों आपके लिए प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से
इस प्रश्न की महत्ता है और इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में जाकर के ऑप्शन लिख दें में, और यदि आप नहीं दे पाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, इकोनॉमिक रिव्यू से संबंधित होगा और उस वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर कोचिंग हब की स्थापना की जाएगी? पहला प्रतापनगर जयपुर में, दूसरा इंद्रप्रस्थ कोटा में, तीसरा खरा क्षेत्र बीकानेर में और तीसरा रातानाड़ा जोधपुर में। तो इसका सही आंसर बताएं साथियों क्या होगा, निम्न में से किस स्थान पर कोचिंग हब की स्थापना की जाएगी। तो साथियों आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप राजस्थान के बजट से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर बजट स्टडी और बजट से संबंधित डॉक्यूमेंट हैं, आप उसे देख सकते हैं और ज़्यादा अध्ययन भी कर सकते हैं। तो आपने ये वीडियो देखा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो सके। एक रिक्वेस्ट और है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को शेयर जरूर करें, निश्चित रूप से उन्हें भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में मदद मिलेगी। धन्यवाद।